एक जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू सन्यासी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजक्शन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए, आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी।